तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं आपको एक दिल्ली की बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ, जो कि अभी 24 मई को लॉन्च हुई है और इसको रोड पे चलने की परमिशन मिली है। तो चलिए आज मैं उसका एक लुक दिखाती हूँ। पहले तो मैं आपको उसका नाम बताती हूँ। ये है इलेक्ट्रिक बस, जो कि अभी 24 मई को मिस्टर केजरीवाल जी ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया एंड देन ये अभी रोड पर है। और अगर मैं बस की कुछ खासियत आपको बताऊं तो ये बस गाइस बहुत अच्छी है। गर्मी इस टाइम कितनी है आप सभी जानते हैं, और दिल्ली की गर्मी बहुत ही तगड़ी गर्मी है, उसमें ये रिलीफ फील करा रही है। ये बस बहुत ही अच्छी है। मैं तो बैठ गई हूँ जॉय राइड करने के लिए और एक छोटा सा इसका आपको लुक दिखाने के लिए। तो चलिए मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बसेस में कैमरा भी अवेलेबल है, 4 कैमरा लगे हुए हैं बस में। और मैं अभी बस में छोटी सी एक जॉय राइड करने वाली हूँ, और जॉय राइड करने के बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मुझे कैसी लगी, देन मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए। बहुत नॉइस हो भी रही है ना, वो हो रही है फैन की, क्योंकि इसमें फैन चल रहा है तो उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ हो रही है, अदरवाइज इसमें बाहर की कोई भी साउंड आपको नहीं आएगा। देख सकते हो जो ये पिंक सीट्स है ना, ये है गर्ल्स के लिए, और ये ब्लू सीट्स जो हैं ये है बॉयज के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे साथ स्कूल स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि इस बस पे, जिसका सेकंड डे है, और मैं आपको बता दूँ 24 to 26 मई ये 3 डेज के लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। इनसे बात करते हैं और इनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि इनको ये बस कैसी लग रही है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, गर्मी हो रही है बाहर, उससे रिलीव है। सी एन जी बस के अकॉर्डिंग आपको ये कैसा लग रहा है? इसमें स्पेशल है जो आपको अच्छा लग रहा है? हमें तो मजे आ रहे हैं। सी एन जी बस इसका क्या होता था, नॉइस पोल्यूशन होती थी, वो अभी इसमें नहीं है, शोर नहीं है, बाहर की शोर नहीं है, और बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं हर एक सीट पे ना फैन अवेलेबल है, हर एक सीट पे फैन अवेलेबल है, तो बहुत रिलीफ फील हो रहा है। एसी प्लस इसमें बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब एसी बस तो वैसे भी है हमारे यहाँ पे, बट ये एसी बस लेवल हर एक साइड पे काम कर रहा है। तो चलिए आगे चल। कैसा लग रहा है आंटी न्यू बस में बैठ के, और क्या एक्सपीरियंस है आपका इस बस को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन है ना हमारे एरिया में तो ये चलती नहीं है। आपके एरिया में नहीं चलती? नहीं, आप नजफगढ़ आए, उत्तम नगर आए, तो ही बात बनेगी इसमें, ऐसे कैसे? ऐसे नहीं है वैसे। और सीएनजी बस के अकॉर्डिंग कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उधर भी चलनी चाहिए ना, उधर भी चलनी चाहिए। आप किस लोकेशन से? हम नजफगढ़ से आगे हैं, गांव है खेड़ाड़ा पर, हॉस्पिटल है वैसे वहाँ आयुर्वेदिक, वहाँ भी तो एक दो तो चलनी चाहिए, इतनी सारी यहाँ रखी है। मतलब आप इसी पे राइड करने वाले हो? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वैसे गाइस, नॉर्मली बस जो होती है ना उनमें मुझे आती है वॉमिटिंग, बट इस बस में मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। आपने तो पहले सीएनजी बस चलाई होंगी ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये बस ज्यादा अच्छी लग रही है, वो बस ज्यादा बैठ, ये अच्छी है, और इसमें मैंने सुना है गियर नहीं है, तो ये कंफर्ट है। ये बार बार में गियर लगाते थे हम, अब ना क्लच दबाने की टेंशन नहीं, कुछ ब्रेक और रेस, एक्सीलेटर दबाओ चलाओ। अच्छा, सीट्स वगैरह कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल। और जो इसमें मैंने देखा कि ये पिलर्स में ना एक स्विच है, वो किस चीज का है? वो किसी भी तरीके की किसी को सवारी को कोई परेशानी है तो उसको दबाओ, तुरंत हम गाड़ी रोकेंगे, उनसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो ये है तो प्रॉब्लम है, तो हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सर आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे, सुनेंगे बस रोक के साइड में, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, वो इसीलिए वो स्विचेस है इसमें अवेलेबल। और नेक्स्ट इसकी टिकट प्राइसेस क्या होगी? वही जो नॉर्मल है, नॉर्मल बसेस की है, ये सेम टिकट मिलेगी और फैसिलिटी बेटर मिलेगी इसमें। तो मुझे तो ये बस बहुत ही अमेजिंग लगी, बिकॉज क्योंकि जो सीएनजी बस है उसके अकॉर्डिंग ये बस बहुत ही मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल है, और टिकट सेम प्राइस है। वेल, इस बस में पूरे 4 कैमरे लगे हुए हैं, और इसकी स्क्रीन भी सामने ड्राइवर सीट के जस्ट सामने लगी हुई है, ताकि वो पूरी बस देखते रहे।
और भी लोगों से पूछा तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी। हाँ अभी ये बस थोड़ी कम है बिकॉज अभी ये सिर्फ लॉन्च हुई है, 150 बसेस लॉन्च हुई है, आगे अगले महीने तक ये 300-150 बसेस और लॉन्च हो जाएगी तो ये टोटल 300 बसेस हो जाएगी, तो थोड़ा कम्फर्ट जोन और बढ़ जाएगा हमारा। वेल टिकट प्राइस भी अपने कम्फर्ट जोन के हिसाब से है, जो हम नॉर्मल बसेस में पे करते हैं वही हमें इसी बस में पे करना है, इसकी टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस। इसमें जो शोर अभी थोड़ा बहुत आ रहा है ना वो फैंस का आ रहा है, अदरवाइज इसमें बाहर का कोई भी आपको झिकझिक पिकझिक कुछ भी सुनाई नहीं देगा। वैसे तो ये और भी स्टेट्स में है लेकिन हमारे इस स्टेट्स को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी तो अच्छा लग रहा है इसको देख के। और अभी 3 दिन के लिए गाइस ये फ्री है, 24, 25 और 26 मई तक के लिए फ्री है, उसके बाद इसका चार्ज होगा। सेम बस आपका जो नॉर्मल बस का प्राइस होता है वही सेम प्राइस होगा। तो फाइनली गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना बिकॉज ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट है और अभी न्यू है तो लाइक करना बनता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।